काला मुर्गा और काली बोतल कहाँ चल रही है, ये आप खुद अपने टीवी टेलीकास्ट पे दिखा सकते हैं कि यहाँ पे वोट किसी को ना दे कोई भी हमारे क्षेत्र में यहाँ पे सियालदे में। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? ये चाहते हैं कि यहाँ का विकास जो है सबने खत्म कर रखा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ए टू जेड। मैं ये चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको रोकूंगा, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। माहौल देखिए, माहौल बिल्कुल बदलते जा रहा है, बिल्कुल। ये रात का समय है और रात के समय की राजनीति अपने आप में बदल जाती है। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है, आप चुनाव यात्रा में हैं। उपचुनाव सट लगातार सुर्खियों पे बना हुआ है और मेरे साथ बीजेपी के कुछ युवा साथी हैं जो कि प्रचार से लौट रहे हैं। अभी शाम का समय है, दिन भर ये मेहनत कर रहे हैं फील्ड पर। इनसे रुझान जानेंगे कि किस तरह की तैयारी चल रही है, क्या कुछ जब हमने आज दिन में बात की कांग्रेस के साथियों से तो उनका क्या कहना था, उनके जवाब ये लोग देंगे। अब आमने सामने तो बातें नहीं हो पा रही है क्योंकि जहां पर बीजेपी वाले मिल रहे हैं वहां पर कांग्रेस वाले नहीं आ रहे, और जहां पर कांग्रेस वाले मिल रहे हैं वहां पर बीजेपी वाले नहीं आ रहे। तो आइए बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये युवा जो हैं ये जनप्रतिनिधि भी हैं, आप BTC मेंबर हैं यहां के, आप ग्राम प्रधान हैं यहां के, तो आप अभी चुनाव से वापस लौट रहे हैं तो किस तरह की तैयारियां चल रही हैं चुनाव को लेकर? देखिए तैयारियां तो बहुत अच्छी चल रही हैं। मेरा नाम मनोज नेगी है, ग्राम प्रधान पैठाना हूँ मैं जी। जिस प्रकार चुनाव की तैयारियां हमारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, पूरा युवा पूरा मातृशक्ति अभी पूरा हमारे जीना परिवार के साथ है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी अच्छी तरीके से कार्य हुआ कि लॉकडाउन में गरीबों का जो पेट भरा वो हमारी मोदी सरकार, हमारी बीजेपी सरकार ने भरा। बात करेंगे सरकार की, बात पे आएंगे हम, लेकिन एक सवाल है। आज दिन में आपके ही क्षेत्र सियालदे में मैं गया हुआ था तो वहाँ पर मुझे कांग्रेस के कुछ युवा साथी मिले जी। तो उनसे मेरा सवाल था कि जैसे ही रात होती है तो रात की राजनीति में मैं आपको ले जाता हूँ, काला मुर्गा और काली बोतल सामने आ जाती है। तो मैंने उनको बोला कि क्या आप भी काला मुर्गा और काली बोतल आपके वहाँ चल रही है, तो उनका सीधे सीधे कहना था, मेरे पास फुटेजेज हैं मैं आपको दिखाऊँगा, आप जब चैनल पर टेलीकास्ट होगा आप देखिएगा, तो उनका कहना था कि ये हमारा काम नहीं है, ये बीजेपी वालों का काम है। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं भूपेंद्र नेगी क्षेत्र पंचायत पैठाना से। आपने जैसे कहा कि उनका यह काम है, उनसे आपने पूछा कि वो, उनने कहा कि बीजेपी का काम है। अगर आप अभी चले जाएं और देखें तो ये काम किसका है और क्या है, देख लेंगे। आप सामने फुटेज तो दिखा तो सकते हैं। चाह रहे हैं कि काला मुर्गा काली बोतल कांग्रेस वाले यहाँ लगातार जो है वो बांट रहे हैं रात को, बिल्कुल यही मेरा कहना है। हम लोग अभी देखिए थक हार के आ रहे हैं, अपने अपने घरों को जा रहे हैं। वो अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो वो देखेंगे आप कहाँ कहाँ बैठे हैं और क्या उनका मामला चल रहा है, काला मुर्गा और काली बोतल कहाँ चल रही है, ये आप खुद अपने टीवी टेलीकास्ट पर दिखा सकते हैं। तो काला मुर्गा काली बोतल चल रही है, BTC मेंबर साहब क्या सही कह रहे हैं भैया? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं सूरज मेहरा हूँ, टामाटन से BTC मेंबर हूँ। जैसा कि भूपेंद्र भाई ने बताया कि काला मुर्गा काली बोतल कांग्रेस पार्टी में ज़्यादा है, इधर तो हम सब युवा हैं लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ कोल्ड ड्रिंक में काम निपटाया जाता है, बोतल उधर ही स्टार्ट होती है। अच्छा, तो यहाँ पर मतलब हम कह सकते हैं कि ना काली बोतल चल रही है ना काला मुर्गा चल रहा है, बिल्कुल सी और है, बिल्कुल सी और है जी। आगे बातों को आगे बढ़ाएंगे और युवा लगातार हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं क्षेत्र पे, लगातार दिन भर भ्रमण कर रहे हैं। तो युवाओं के लिए मैं आपके पास आऊँगा, तो युवाओं के लिए जब यहाँ पर आपकी सरकार थी तो युवाओं के लिए क्या क्या प्रयास किए गए स्वर्गीय जीना द्वारा? उनके द्वारा बहुत अच्छे प्रयास किए गए, जगह जगह उनने रोड पहुंचाई, हर जगह आप देखना, आप हल्द्वानी से यहाँ पर आए हैं आपको बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आपको इस क्षेत्र में आने के बाद आपको तकलीफ बिल्कुल नहीं हुई होगी, क्योंकि आप किसी भी गांव में जा रहे होंगे तो आप वहाँ पर रोड से गए होंगे, आपके पास बाइक है, आप हर जगह रोड से गए होंगे। आप कल भी यहाँ पर सर्वे करेंगे तो आप हर गांव में जाएंगे तो उस रोड से जाएंगे, वो रोड बनाई है वो हमारे स्वर्गीय श्री जीना जी ने बनाई है। चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा, करेंगे करेंगे नारे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नारे नारे लगाएंगे हम नारे। अगर ये युवा साथी हमारे पीछे कांग्रेस के भी आ गए, अगर इस तरफ आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन आएंगे नहीं शायद शायद। तो देखिए सरजमी जारी है, आ जाओ आ जाओ आइए। तो माहौल देखिए, माहौल बिल्कुल बदलते जा रहा है, बिल्कुल
ये देखिए, ये गरमाया हुआ माहौल है। मैं अभी सियालदे पे हूँ और सियालदे की राजनीति उपचुनाव जो हो रहे हैं आप देख रहे हैं कि लगातार पक्ष विपक्ष यहाँ पर चल रहा है। आपके सामने की बात है, कोई दूर की बात नहीं है, कैमरा में सब कुछ कैद हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। कि देखिए पीछे से भी आवाज़ आ रही है, सुनिए। तो लगातार संघर्ष जारी है। मैं बीजेपी के साथियों से युवा, मैं आपके पास आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, युवा कार्यकर्ताओं के पास मैं जा रहा हूँ। सवाल कई सारे हैं, आपने कुछ कहना था। सर मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ, हमारी पार्टी के लोग बैठे हैं जी, हम देखो पूरे भारत माता के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, अपने नरेंद्र मोदी सरकार के लिए लड़ रहे हैं, मात्र जिना जी के लिए नहीं लड़ रहे, ये सिर्फ गंगा पंचोली के लिए लड़ रहे हैं, बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। तो ये जो उनके नारेबाजी थी, यहाँ से वो निकले, ठीक है अपना अपना प्रचार करना, मैं किसी के लिए व्यक्तित्व टिप्पणी नहीं करूँगा। अंकल भी आए हैं हमारे, आप हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है। मेरा घनश्याम राम टमटा। घनश्याम राम जी, तो किसको वोट देने वाले हैं इस बार? वोट देने वाली बात नहीं है, हाँ तो कौन सी बात है? मन की बात है। मन की बात बताइए। मोदी जी भी मन की बात करते हैं, आप भी मन की बात बताइए। उन तक पहुँचाना चाहते हो, कोई पहुँचा सकेगा? बिल्कुल हम पहुँचाएंगे, आप बोलिए, निर्विघ्न होके बोलिए, बिल्कुल ठीक है ना? हाँ बोलिए। हमारे मन की बात ये है, हाँ, हम ये चाहते हैं जी कि यहाँ पे वोट किसी को ना दे, हाँ, कोई भी, हाँ, हमारे क्षेत्र में यहाँ पे सियालदे में। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? ये चाहते हैं कि यहाँ के विकास जो है सबने खत्म कर रखा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ए टू जेड जी। तो वोट किसको देना चाहिए? किसी को नहीं देना चाहिए। तो वोट नहीं होंगे तो ये लोकतंत्र कैसे चलेगा? चलेगा, लेकिन पहले हमारे का समस्या का समाधान करना चाहिए। आपकी समस्या क्या है? यहाँ पे हमारे गांव यहाँ इतना सियालदे, हाँ सियालदे, सियालदे जसपुर, इतना सुंदर गांव हमारा, हाँ सियालदे, हाँ, जसपुर डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के अंदर में जी, लेकिन आज जो है यहाँ पे राजनीति चल रही है, हाँ, चाहे वो जीना जी हो, हाँ, चाहे पंचोली जी हो, हाँ, ए टू जेड। कैसी राजनीति चल रही है क्या? आई डोंट नो, मैं आपको बताता हूँ ऐसे, प्लीज या सियो बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। क्या बात है, वाह आप बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं आप। थैंक्स अ लॉट। तो पढ़ाई कहाँ से की आप, कितना पढ़े लिखे हैं? मैं अनपढ़ इंसान हूँ। तो अनपढ़ है तो अंग्रेजी तो काफी अच्छा बोलते हैं, देखिए बताइए। समस्या ये है, हाँ, हम तो ये जानते हैं 17 तारीख को जो चुनाव होने वाले हैं, हाँ, पहले हमारे यहाँ का विकास का जो है ना, हम इतने परेशान हैं, हाँ, हम किसान लोग हैं, हाँ, गांव के अंदर में जी। इसका समाधान किसी ने नहीं करा अभी तक। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो 3-4 वर्ड अंकल ने बहुत अच्छे रटे हुए हैं और काफी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, युवाओं से बात करते हैं, युवाओं की समस्या को जानते हैं और बहुत सारी चीजें हमारे बीच हो रही हैं। मैं आऊँगा आपके पास, तो और कौन कौन सी समस्याएं आ रही, जब आप प्रचार करने जा रहे हैं कभी आमना सामना भी हो जा रहा है? बिल्कुल, राजनीति में आमना सामना होता है, ठीक है, लोकतंत्र है, उनको अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है लोकतंत्र में, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ऐसा अभी तक आमना सामना हमारा कई बार हो चुका है उनके साथ, वो जिस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं इस प्रकार का प्रचार उन्हें नहीं कहना करना चाहिए। पोस्टर फाड़ना, झंडे उतारना, ये उनकी मानसिकता पहले से ही रही है, छोटी मानसिकता। हम ऐसे काम नहीं करते हैं और हम आमने सामने जा भी रहे तो सभ्यता के साथ हाथ जोड़ते हैं, जो हमारे विधायक सुरेंद्र सिंह जीना जी ने हमको सिखाया है। बाकी बात रही युवाओं की, युवाओं के लिए क्या करा क्या नहीं करा, हर गांव में खेल का सामान उनने भेजा, हर युवाओं के लिए उनने खेल का सामान भेजा, हर हमारे कहीं पे अगर स्पोर्ट्स का कुछ भी हो रहा हो, सुरेंद्र सिंह जीना एक ऐसा आदमी था जो वहाँ पर सर्वप्रथम पहुँचता था, ये युवाओं के लिए उनने करा। और खेल में जो उनका था बहुत ही ज़्यादा, वो खुद भी एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं तो उनकी रुचि खेल के प्रति बहुत ही अच्छी रुचि थी उनकी, और जहाँ पर भी खेल होता था वहाँ पर जरूर आते थे। मैं जीना जी के कार्यों की सराहना करूँगा, लेकिन एक सवाल और मेरे मन पे आ रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसका जवाब बहुत सटीक तरीके से दीजिएगा। अभी कुछ ही समय पूर्व हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं उनके बयान आए, उनके बयानों में उनने कहा कि लड़की को फटी जींस नहीं पहननी चाहिए, राशन वाली बात आई और बहुत सारी बातें आई। तो मैं जानना चाहूँगा क्या उनका वो चीज़ कहना, वो तर्क कहना, आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या उनका वो कहना सही था? कौन जवाब देंगे जी? वो बिल्कुल भी सही था उनका कहना, क्योंकि हम हिंदुत्व के लोग हैं, सभ्यता हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। तो लड़कों को मैं रोकूंगा, बिल्कुल रोकूंगा। तो अगर लड़कियां नहीं पहन सकती तो क्या लड़कों को पहनने का अधिकार है? नहीं,
नहीं है, नहीं तो ठीक है, ये बात आपकी सही है कि अगर लड़की नहीं पहन सकती तो लड़की को भी नहीं पहने। हाँ आप बताइए, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, आप ये बताइए, दूसरे की लड़की और दूसरे की माँ बहन अगर पहने सबको अच्छा लगता है, क्या आप खुद चाहते हैं कि आपकी माँ बहन फटी जींस पहन के चले? फटी जींस अगर मैं ये चाहूंगा, मैं ये चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको रोकूंगा, मेरी बात सुनिए, 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 पहले आप मेरी बात सुनिए। अगर मेरी माँ और मेरी बहन फटी जींस पहनेगी तो मेरा भाई और वो भी पहन सकता है, अगर मेरी माँ और बहन फटी जींस नहीं पहनती तो मेरा भाई को और मुझे भी कोई अधिकार नहीं है फटी जींस पहनने का, क्योंकि इस समाज में आप गलत बात कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे इंसान है, आप गलत बात कर रहे हैं, मैं आपको रोकना चाहूंगा, सबका अधिकार बराबर है, अगर लड़का पहन सकता है तो लड़की भी पहन सकती है। अब आप बताइए, हमारी सभ्यता ये नहीं कहती है, मैं सही हमारे संस्कार, ये बिल्कुल मेरा काम है अपना विचार रखना, मैं आपके विचार का खंडन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपके विचार पसंद नहीं आ रहे। अगर आप कहें कि लड़की और लड़का कोई नहीं पहन सकता, मैं आपके बात से सहमति हूँ, जैसे कि भैया ने कहा, मैंने की बात की, आप सभी लोग हैं, सहमति मैंने दी भैया को, दी या नहीं दी, लेकिन जब आपने उस बात का खंडन किया तो मैंने आपके बात का विरोध किया, बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे की माँ बहन बेटी पहनती है सबको अच्छा लगता है, लेकिन अपनी माँ बहन बेटी पहने सबको बुरा लगता है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए ये बात कही, ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छा अंकल भी आ रहे हैं, हम अपने मुख्यमंत्री का पूरा समर्थन करते हैं जी, आप समर्थन कर रहे हैं और आप खंडन कर रहे हैं, अलग अलग मत हैं, अलग अलग विभेदन है, सभी की बात नहीं करेंगे, तो फाइनली तो अंकल आप भी बोलिए, कोई नहीं, कुछ नहीं है पहनावा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपने कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्या पहनावा, तो अंकल से बात करेंगे, एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ मैं, रुकिए बस, आप झोला नीचे रखिए, अंग्रेजी की थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, हम बात करते हैं। मेरे साथ युवा साथी, तो फाइनली बहुत सारी बातें हुई और अच्छा भी लगा आप लोग से जान के, यूथ की सोच जान के अच्छा लगा, आप नए जनप्रतिनिधि नहीं हैं, आने वाले समय का भविष्य हैं, और केवल एक सवाल, लास्ट सवाल, क्या अभी उपचुनाव पे बीजेपी विजयी हो रही है या नहीं? 100% एकदम 15,000 वोटों से अभी हमारी विजय हो रही है, पूरे सल्ट में एक बयार चली है, जो सुरेंद्र सिंह जीना जिन जो एक ऐसे आदमी थे कि वो हर घर का बेटा, हर बहन का भाई, हर माँ का लड़का था, वो हमारे बीच से गुजर, आज हमारे बीच नहीं रहा, उसको सभी लोग यह वोट जो है श्रद्धांजलि के, सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में देंगे, और दे भी रहे, हम गांव-गांव जा रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा समर्थन लोगों का मिल रहा है, लोग रो रहे हैं, आज भी लोग रो रहे हैं उसके लिए, तो हमें अभी तक ये लग रहा है और ये सच्ची बात है कि अभी हम 15,000 वोट से जीत रहे हैं। तो ये है सल्ट का उपचुनाव, लगातार अपडेट्स जारी हैं गली से, मोहल्ले से, घर से, और हर जगह से हम आपको लगातार खबर दिखा रहे हैं, संवेदनाएं हैं, संभावनाएं हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। मैं हूं दीपांशु कुंवर, मेरे साथ कैमरा के पीछे है प्रियांशु, आप देखते रहिए जे जे न्यूज़।